पेशा अधिनियम को लेकर झारखंड में क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है और पंचायती राज विभाग के सचिव हमारे साथ विवेक भारद्वाज जी हैं। सर, किस तरीके से इस सम्मेलन का मकसद क्या है और किस तरीके से जो हम कह सकते हैं जो ट्राइबल्स इलाके हैं वहाँ पर इससे बढ़ावा मिलेगा और लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा? देखिए, ये कानून 1996 में आया था और इसको अगर हम सुदृढ़ कर पाएँ तो हमारे जनजाति क्षेत्रों में जो पारंपरिक जीवन शैली है हम उसको मजबूत कर पाएंगे, जो समाज की कुरीतियां हैं उन पे एक अंकुश लगा पाएंगे और जो पंचायत व्यवस्था है, जो हमारी जो गणतांत्रिक व्यवस्था है उसको भी मजबूत कर पाएंगे। तो गणतांत्रिक व्यवस्था को भी मजबूत कर पाएंगे। सर, पहला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था और उसके बाद जो ये दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, तो किस तरीके से आप उम्मीद लगाते हैं कि लोगों की जो भूमिका है, लोग अपनी बात रखेंगे, तो इससे किस तरीके से कानून को बल मिलेगा? देखिए, इन सब का लक्ष्य यही है कि हम कैसे जनप्रतिनिधियों की या पारंपरिक जो नेता हैं उन इलाकों के, उनकी बात हम कैसे सुने। इसलिए अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि जो हैं वो अपनी बात रखेंगे, हम उनकी बात सुनने को उत्सुक हैं, जानने को उत्सुक हैं, जिससे कि हम इस व्यवस्था को, इस कानून को और सशक्त बना पाएं। एक सर आखिरी सवाल के, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमाम जगहों से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, आखिर रांची को ही आपने इस क्षेत्रीय सम्मेलन के लिए क्यों चुना? देखिए, पहली बात तो झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, इसके अलावा भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, तो इससे ज़्यादा उपयुक्त कोई और जगह हमें नहीं दिखी। इसीलिए हमने चाहा कि हम राज्य सरकार से अनुरोध करें कि ये क्षेत्रीय सम्मेलन यहाँ पर किया जाए। किस तरीके की उम्मीद आपको इस सम्मेलन से है, क्योंकि दो दिनों तक यहाँ पर मंथन होगा, बहुत सारे टेक्निकल सत्र होंगे, तो कैसा उम्मीद? हम मानते हैं कि जन भागीदारी से, जन प्रतिनिधियों की आवाज़ सुनकर, उनके विचार सुनकर हम इस कानून को और सशक्त बना पाएंगे और आदिवासी क्षेत्रों में संपन्नता ला पाएंगे। तो आदिवासी क्षेत्रों में संपन्नता ला पाएंगे और उस तरीके से ये जो पंचायती राज का सम्मेलन है इसका फलाफल सकारात्मक निकलेगा, ऐसा ये उम्मीद लेकर चल रहे हैं। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।